82 के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जामिनेशन को लेकर और उसके अलावा जिन बच्चों की M1 M2 M3 M4 में बैक है, जो पास आउट हो चुके हैं, उनको लेकर एग्ज़ाम फॉर्म फीस पेमेंट को लेकर, जी हाँ एग्ज़ाम मार्च में होगा, डेट कंफर्म हो चुकी है। और बाकी जो छात्र उनका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, खास करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और उन छात्र जो पास आउट हो चुके हैं जिनकी फर्स्ट ईयर M1 M2 में या फिर M3 M4 में बैक लग रही बार बार। और मुझे कई सारे छात्र ऐसे, अगर आप मैथ मैथ को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है आगे प्रॉब्लम फंस सकते हो, क्योंकि कई सारे छात्र हैं जो उनकी 3 से 4 साल हो गया फिर भी उनकी बैक लग रही थी, इसलिए हल्के मत लीजिए मैथ को। स्पेशल वीडियो उसके अलावा रेगुलर और बैक पेपर एग्जामिनेशन फीस को लेकर, एग्जाम फॉर्म को लेकर, सभी की डेट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बीफार्मा MBA MCA और खास करके बीटेक वाले छात्रों के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट, हम शुरू करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। इसमें क्या मेंशन है, डेट यहाँ दे सकते हैं, आज की डेट है। इसमें क्या जो है मेंशन है कि उपरोक्त विषय संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं विषम सेमेस्टर के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा अच्छे से पढ़ूंगा एक्सप्लेन करके, क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूजिंग में हो जाएंगे मुझे पता है। तो पहले मैं नोटिस पढ़ूंगा फिर आपको समझाता हूँ। इसमें क्या मेंशन है कि विषम सेमेस्टर के प्रथम एवं सॉरी विषम सेमेस्टर के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्नातक तथा प्रस्नातक यानी UG और PG दोनों की बात हो रही है, ठीक है, के रेगुलर तथा कैरियर, रेगुलर और कैरियर की बात हो रही है, कि परीक्षाओं की ERP के माध्यम से दिनांक 5 फरवरी तक जो है फॉर्म भरे जाने की डेट बताई गई थी, जिसका जो जो कि एग्जामिनेशन फीस और एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट थी। लेकिन आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि उक्त के संबंध में कतिपय संस्थानों द्वारा अनुरोध करते हुए, यानी हम सब ने अनुरोध किया था कि सर जो है रिजल्ट नहीं आया चैलेंज का, स्पेशल का, COP का, तो फिर कैसे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उसको अनुरोध को स्वीकार करते हुए अब जो है 10 फरवरी से जो 27 फरवरी के मध्य आयोजित एग्जाम हो रहा, किन छात्रों का फरवरी में होगा, किन छात्रों का मार्च में होगा, किनका फरवरी किनका मार्च में होगा, बाद में बताता हूँ, पहले नोटिस सुन लो फिर बाकी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि जिन जिन बच्चों का एग्जाम 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले हैं MBA MCA के अंतिम वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में, छात्र छात्राओं को रेगुलर तथा कैरियर, लेकिन आगे मेंशन है कि उनके परीक्षा फॉर्म भरे जाने की जो डेट है, परीक्षा फॉर्म और परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जाम फॉर्म एग्जाम फीस पेमेंट की 8 फरवरी, जी हाँ 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक में हर हाल में जमा कर देना है, यानी कि 8 फरवरी तक बढ़ा दी गई है 5 बजे तक, ठीक है। आगे क्या मेंशन है, आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात हो रही है बीटेक बीफार्मा की, उपरोक्त के अतिरिक्त ये भी अवगत है कि विषम सेमेस्टर के प्रथम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रम तथा तृतीय सेमेस्टर बीटेक बीफार्मा एम फार्मा और एमटेक एमआर के MURP के रेगुलर तथा कैरियर की परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फीस, चाहे आपका बैक पेपर फीस हो चाहे आपका रेगुलर एग्जाम फीस हो, ठीक है, को निर्धारित उपरोक्त अंतिम तिथि को दिनांक 28 फरवरी, कब तक, 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यानी अभी तक जो आपकी 5 फरवरी डेट थी, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपकी डेट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, मैंने आपसे कल परसों कई बार कहा, और अगर आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आता तो मैं आपको लाइव आके समझा दूंगा आज, ठीक है, इंस्टा पे या फिर इस चैनल पे, ठीक है। अब आगे क्या मेंशन है, आगे आपसे अनुरोध है कि सभी छात्रों, अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आके कन्फ्यूज होंगी, सर बीटेक बीफार्मा और MBA MCA किसका एग्जाम फरवरी किसका मार्च में होगा, तो पहले ये सुन लीजिए कि किसका एग्जाम फरवरी में होगा किसका एग्जाम मार्च में होगा, तो ये सर्कुलर आज का है, कोई इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे क्लियरली एक्यूटी ने डिफाइन कर दिया है कि जिन बच्चों का एग्जाम जो है 10 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में होगा, उनकी एग्जामिनेशन की डेट कब तक बढ़ाई गई है, 8 फरवरी तक, यानी MBA और MCA के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो उनका 8 फरवरी तक एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है, उनका एग्जाम 10 से लेकर 27 फरवरी के मध्य होगा, जो कि भी टेंटेटिव शेड्यूल आया, बहरहाल ऑफिशियल फाइनल शेड्यूल आना बाकी है। ये हो गया MBA MCA की। अब आगे बात करते हैं बीटेक बीफार्मा के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर छात्रों का जो एग्जाम्स होने वाला है, बीटेक बीफार्मा के जो है थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनका जो है यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, उनकी जो डेट है फॉर्म भरने की और फीस पेमेंट की दोनों की बात हो रही है, उनका 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, 28 फरवरी, समझ आज कितनी डेट है, अभी यार 2-3-4 फरवरी है ना, 3 से लेकर 28, यानी कि मान लो पूरा का पूरा महीना बचा है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया फॉर्म कैसे भरेंगे। और जहाँ तक रिजल्ट की बात होती है, उससे पहले चैलेंज और स्पेशल रिजल्ट से पहले पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है आपको, मैंने यानी कि यहाँ पे दे सकते हैं कि ट्यू मैथमेटिक्स फर्स्ट का आपको पूरा, जी हाँ
पूरा 140 के आसपास, यानी 100 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कहाँ से, अभी मैं आपको बता दूँ, पहले पूरा सुन लीजिए वीडियो। और ख़ास करके उन बच्चों को, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हैं तो आप लोग अभी से फोकस करो, क्योंकि अगर आपकी बैक लगती तो आपको 1000 रुपये फीस पे करना होता है, और वहीं पर अगर आपकी 3 साल 4 साल बैक लगती तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1000 × 4 4000 हो गया। बहरहाल उससे मतलब नहीं। आगे यहाँ पे क्या, पहले यहाँ पे एके ट्यू मैथमेटिक्स फर्स्ट का यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरी प्ले लिस्ट मिलेगी एके ट्यू मैथमेटिक्स टू का, और ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी आपको पूरा विस्तार से, यानी कि 100 से ज़्यादा लेक्चर आपको मिल जाएंगे एक एक मैथ की, यानी कि M1 की, अगर आपको M2 की, M3 जो भी चाहिए, 100 से ज़्यादा लेक्चर मिल जाएगी, जिसको आपको पूरा डिटेल में पूरा मैथ और पूरा जो है आपका विषय और पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, मैथ थर्ड या मैथ एक्टिव मैथमेटिक्स थर्ड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि सारी डेमो होगी, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से, और एक्टिव मैथ फोर, अगर आपको मैथ फोर की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से तो भी मिल जाएगी यहाँ से सारी चीज़ें, ग्राफ थ्योरी वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, ये मैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डेमो देख सकते हैं, लेकिन आपको सारा चीज़ें मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप के एप्लीकेशन पे। जी हाँ, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, वैसे मैं लिंक यहाँ पे जो दिया है लिंक, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें M1 M2 M3 M4 का डेमो वीडियो फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखने के बाद पसंद आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होशियार या बुद्धिमान ऐसा होगा जो अगर बैक लगती है उसकी, और मुझे कई सारे छात्र अभी पता जो 2020 में पास आउट हो चुके हैं और 22-23 चल रहा, अभी भी उनकी बैक चल रही है, और उनकी बैक की वजह से, मैथ की बैक की वजह से उनकी जो है डिग्री कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आप अभी से, और एक ये बता दो 1000 रुपये फीस होती है बैक पेपर की, यहाँ पे केवल आपको मात्र 799, यानी कि करीब 800 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है, समझ सकते हैं। 800 रुपये फीस में आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस मिल जाएगा, पूरा लेक्चर मिल जाएगा आपको 100 से ज़्यादा वीडियो का, और आपको एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहीं से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप दिखा देख सकते हैं कि CSE ब्रांच के लिए, उसके अलावा ऑल ब्रांच, यानी कि सॉरी जो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी सारी ब्रांच हैं सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा कर रखा है। मैं थर्ड है, एम थर्ड है, एम फोर है, एम सारी चीज़ें, ठीक है, डिस्क्रीट है। तो आप लोग ज़रूर इसको, आप लोग जाके पहले डेमो वीडियो देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर बाय करिए। मैं फिर बता दूं, अगर आप जो है बैग लगती है तो आप 1000 रुपये देते हैं, तो और आपका ईयर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप होशियार हैं, सावधान हैं, तो 800 रुपये कोई ज़्यादा, 799 कोई ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और सारी चीज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। कई सारे छात्र कह रहे थे सर हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करें तो इस तरीके से शो हो रहा, तो आपका भी इस तरीके से शो हो रहा था, ठीक है। अभी बात करते हैं रिजल्ट को, पहले सारी चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम फॉर्म नॉट ओपन, कॉन्टैक्ट योर कॉलेज फर्दर डिटेल, इस तरीके से जो है ऑप्शन आ रहा, तो इसका मतलब यही कि आपका रिजल्ट है या तो इनकम्प्लीट है, या तो आपकी फीस नहीं जमा हुई, यानी कुछ ना कुछ आपके, या तो आपका एबसेंट हो गया है। बहरहाल अगर आप पास भी हैं, एबसेंट हो गया, तब भी इस तरीके से शो होगा, लेकिन ये बाई मिस्टेक आ रहा था। अब आप एक दिन दो दिन के बाद जब चेक करेंगे तो सारी चीज़ें सही जाएंगी, अब आपको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इशू है तो आप अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि जो पहले 5 फरवरी डेट थी, अब इसको बढ़ा के 28 फरवरी कर दिया गया, यहाँ पे आपका 28 फरवरी आ जाएगा, ठीक है। और एक बार आप कॉलेज में ज़रूर पूछ लीजिएगा, बाकी आप लोगों के जो भी पर्सनल यानी जो वैसी जो आपको क्यूरी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारी बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे टाइम मिलेगा तो हम लाइव भी आ जाएंगे, या यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे टाइम मिलेगा, ठीक है। और कई सारे छात्रों का रिजल्ट है जिनका एबसेंट हो गया था, और CSS को लेकर, पाइथन को लेकर जो छात्र थे, मैं उनको बता दूँ कि अगर आपका 18-13 इस तरीके से है तो आप पास हैं, यानी अगर आप केवल एक ही सब्जेक्ट में पास कर लेते हैं CSS पाइथन में, तो आपको दूसरे में, जैसे कि देखिए उनका एक में पास है, दूसरे में इनकी बैक है पाइथन में, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी एक में अगर क्लियर है तो दूसरे सब्जेक्ट को पास करना कोई जरूरी नहीं। और कैरियर सब्जेक्ट का जो फीस पेमेंट का इशू आ रहा था, वो भी अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी तक बीटेक में फार्मा भर सकते हैं, और एमबीए एमसीए वाले कब तक, 8 फरवरी तक भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक दिन दो दिन और वेट कर लीजिए, जो सारा इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, तो देखिए रिजल्ट को लेकर मैंने बीसी सर को अभी मैसेज किया, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आज कन्फर्म करके बताऊंगा, तो बहरहाल मैंने मैसेज किया है, अगर कोई रिप्लाई आता, कोई रिस्पॉन्स है तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल वैसे भी रिप्लाई आए, रिस्पॉन्स आए ना आए, दो दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है चैलेंज का आ जाएगा। बहरहाल चांसेस तो यही है कि आज शाम में या कल आ जाए। बहरहाल अगर मैं बात करता हूँ या कोई मैसेज का जो रिप्लाई आता, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको M1 M2 M3 M4 का अगर आपको जो है
कोर्स देखना चाहते हैं, पहले पढ़ना चाहते हैं डेमो वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बाय करना चाहते हैं तो आपको वो भी लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम वगैरह पे मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।